सारे प्रवासी मजदूर है उन्हां वास्ते अज जिहड़ी पंजाब प्रदेश कांग्रेस ने कमेटी बनाई सी इस नूं मोनिटर करन वास्ते और उस सबजैक्ट ते अज जिला प्रशासन डिप्टी कमिश्नर ADC पुलिस कमिश्नर उन्हां नाल अज मीटिंग हो रही है और बड़े ही पुख्ता इंतजाम के नाल जिहड़े प्रवासी मजदूर है वापस अपने घर जा रहे हैं क्योंकि सोनिया गांधी जी ने हुक्म किया साडे नैशनल प्रेजिडेंट ने कि जिन्हें भी प्रवासी मजदूर है उन्होंने देखभाल करो साडे जुम्मा लाया कांग्रेस पार्टी का प्रदेश कांग्रेस पार्टी का तो उसको देखते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने यह फैसला किया कि जिन्हें भी प्रवासी मजदूर जा रहे उन्हों का जरा किराया वो असी पंजाब सरकार दे रहे हैं तो उसू रिव्यू करने वास्ते ही अज मीटिंग हुई है तो कड़ा इंतजाम है कि गड्डियां अज तक मेरा ख्याल 9 ट्रेन जा चुकी हैं और 3-3 ट्रेन रोक जाती हैं जिदा कि उपरों रेलवे महकमा जिप्यूट करता पर मैं समझता मैं जिथे साड़ी पार्टी और साड़ी सरकार साड़ा जिला प्रशासन अपनी जी जिम्मेवारी बहुत ही अच्छे तरीके निभा रहे उसे मैं बेनती करनी चाहता जो प्रवासी मजदूर है कि ये थोड़ी कर्म भूमि है जलंधर इतों तुम लंबे अरसे चो फैक्ट्रिया काम किया सड़कों पर काम किया कंस्ट्रक्शन का काम किया प्लंबर का काम किया और मैं यही बेनती करना चाहता कि साडा ये पूरी कोशिश है कि असी जो मजदूर है उन्होंने उन्होंने तनखाह देखो फैक्ट्री चलाएगा तो उन्होंने तनखा दे सकते तो मैं उन्होंने बेनती करना कि जरा बहुत जरूरी जाना चाहता उसको असं रोक नहीं सकते पर मैं बेनती करनी चाहता कि अपनी कर्म भूमि ना छो उत्ते रहो ताकि जरा पंजाब का जरा इंडस्ट्री है उद्योग है पंजाब का ट्रेड है पंजाब कंस्ट्रक्शन है वो उस तरह चले और भी जी रोटी वो पूरी तरीके चले साडा जिला प्रशासन बहुत अच्छा इंतजाम कर रहा है जी गड्डिया जा रही हैं उन्होंने किराया भी दे रहा है उन्होंने राशन पानी भी जो रस्ते वो भी दे रहे हैं पर यह साड़ी जिम्मेवारी है पर इस मैं फिर यही दिखाऊंगा कि अगर मन बनाओ अपना कि ना जाओ ताकि जी रोटी रोजी है उसका नुकसान